हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के बाद शरीर पर मालिश करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि मालिश करवाने से उनका समय वेस्ट होता है, यानी कि टाइम वेस्ट होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के बाद शरीर पर मालिश करवाने के फायदे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो से। टिप नंबर 1, शरीर को आराम दिलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार महिलाएं प्रसव के बाद काफी ज्यादा तनावग्रस्त हो जाती हैं, कई बार बच्चे को लेकर तो कई बार अपने फिगर को लेकर। इसीलिए तनाव को दूर करवाने के लिए शरीर की मालिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 2, शरीर के दर्द को दूर करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी रोजमर्रा के काम करने की वजह से हमारे हाथ या पैर में दर्द होने लगता है और हम अपने दूसरे हाथ से ही अपने हाथ और पैर को हल्का सा भी सहला देते हैं, तो उसकी वजह से दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। तो सोच कर देखिए, जब भी डिलीवरी होती है तो उस वजह से महिला के शरीर में काफी ज्यादा दर्द होता है, और उस दर्द को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिलीवरी के बाद मालिश करवाना। टिप नंबर 3, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो पाता है। अगर आपकी डिलीवरी दिसंबर या फिर ठंड के समय पर हुई है तो यकीनन आपके शरीर के अंदर किसी किसी हिस्से में खून जम गया होगा, जैसे कि हाथ की उंगलियों में या फिर पैर की उंगलियों में। इसकी वजह से हमारे हाथों और पैरों में सर्दियों के समय पर सूजन भी आ जाती है, और उसे रोकने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए बॉडी की मसाज करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 4, शरीर के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी काफी अच्छा रहता है। यदि आप अभी अभी माँ बनी है और आपको अपने बच्चे को स्तनपान कराना है, तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसे आहार का सेवन करें जो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो और शरीर के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ा सके। और इसी के साथ साथ मालिश करवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मालिश करवाने की वजह से भी स्तनों के अंदर दूध की मात्रा ज्यादा बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आपको भी बॉडी मसाज करवाने की जरूरत है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।